अंबाला की बेटी और प्रखर प्रवक्ता के रूप में मशहूर देश की तेज तर्रार मंत्री रही सुषमा स्वराज के निधन से अंबाला वासी भी क्षुब्ध हैं। अंबाला ही नहीं, हरियाणा से सुषमा का निजी और राजनीतिक रिश्ता बहुत गहरा रहा है। बता दें कि सुषमा ने प्राथमिक शिक्षा पलवल से प्राप्त की और अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के प्रोफेसर और सुषमा के सहयोगी उनके निधन से बेहद दुखी हैं। प्रोफेसर यूवी सिंह का कहना है कि राजनीति की प्रखर वक्ता और हसमुख चेहरे वाली अंबाला की बेटी सुषमा स्वराज सबको बिलकता छोड़कर चली गई। उनके अंबाला वासियों और देश की राजनीति में अहम योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सुषमा के पैतृक शहर अंबाला में भी लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। सुषमा की पुरानी यादों को ताजा करते हुए उनके पड़ोसियों की आंखें भी नम हो गई। बहन जी और इस परिवार से शुरू से ही काफी लगाव रहा है हम लोगों का। अब कल जो ये खबर सुनी तो तब भी रात को हम आए यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब वगैरह तो रात को दिल्ली चले गए, लेकिन जो क्षति हुई है इस बहन जी के जाने से वो कहीं भी किसी तरीके से भी पूर्ण नहीं हो सकती। सुषमा के अंबाला वाले घर में काम करने वाली महिला ने बताया कि वो पिछले 6 सालों से उनके घर में काम कर रही है। वो सुषमा को बुआ जी के नाम से पुकारती थी। जैसे मतलब हर्ष भाई बोलता है बुआ जी, ऐसा ही बुआ जी बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ आए थे यहाँ पे तो बहुत अच्छा से देखभाल, बहुत अच्छा से मेरे को वो करा, अटेंड करा, मैंने उनको भी करा। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान जहाँ पे भी गए वो सुख शांति रखे उसकी आत्मा के, मेरे कहना यही है। सुषमा स्वराज ने अपनी जीवन यात्रा में तमाम ऐसे मुकाम हासिल किए जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। अंबाला में उनको याद करके आज उनके पड़ोसी, सहपाठी और सहयोगियों की आंखें जिस तरह से नम है वो इसकी गवाह हैं। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।